बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एनिमल डाइवर्सिटी वन से जो हम टॉपिक डिस्कस करने आ जा रहे हैं वो है फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा में हम स्पॉन्जिस को डिस्कस करते हैं। स्पॉन्जिस एज ए एग्जांपल हम इसमें यह देखेंगे कि इसमें करेक्टर्स क्या, इसकी बॉडी की कैसे वॉल कैसे बनी होती है, इसकी जनरल मॉर्फोलॉजी क्या है, पोरीफेरा के जो एग्जाम्पल है इसमें जो केनाल सिस्टम है वो कैसे डिवेलप करता है। पोरीफेरा मीन्स पोर बेरिंग एंड रेफर टू द न्यूमरस पोर्स एंड चैनल दैट परमिट आ स्पॉन्ज बॉडी। पोरीफेरा नेम से ही इनमें पोर बेरिंग पोर्स होते हैं, इसी वजह से इसको पोरीफेरा का नेम दिया जाता है। ठीक है, इसको कॉमनली हम स्पॉन्ज भी कहते हैं। इस पे जो पोर्स होते हैं वो न्यूमरस होते हैं, मोस्टली मैरीन होते हैं। पोरीफेरा के मेंबर्स मैरीन वो होते हैं जो कि सॉल्ट वाटर में, नमकीन पानी में रहते हैं, बट सम इंक्लूड फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर जो कि हम आम पानी पीते भी हैं, फ्रेश वाटर में इसमें नमकियात नहीं होते, ऐसे वह पानी को हम फ्रेश वाटर कहते हैं। यूजली फाउंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम या ऑब्जेक्ट्स वो जगह होती है जैसे कि रॉक्स, उसके साथ अटैच होते हैं। ठीक है, या वहाँ से ये मूव नहीं कर सकते। ओकेजनली ऑन अदर एनिमल्स सच एज क्रैब्स इन शैलो वाटर, फॉर एग्जाम्पल क्रैब्स जो हैं ये फाइलम पोरीफेरा के मेंबर्स नहीं हैं, लेकिन ये डीप वाटर में और शैलो में रहते हैं। कम गह शैलो कहते हैं कम गहरे पानी को, डीप कहते हैं जिसमें पानी की गहराई ज़्यादा होती है। ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि दे आर ससाइल, ससाइल होते हैं, इसमें मोबिलिटी की अवेलेबिलिटी नहीं होती। परमानेंटली अटैच टू द सबस्ट्रेटम, परमानेंटली अटैच होते हैं ना कि टेम्परेरी। देर अप्रॉक्सीमेटली 9,000 जो स्पीशीज हैं लिविंग पोरीफेरा मेंबर्स की वो मौजूद हैं अभी तक, एंड अबव 2,200 जो है वो फोसल फॉर्म्स, फोसल शक्ल में भी मौजूद हैं। इनका साइज कितना है, 2 मीटर से लेके 2 सेंटीमीटर तक होता है। साल्ट वाटर स्पॉन्ज आर ब्राइटली कलर्ड होते हैं, जो सॉल्ट वाटर में स्पॉन्जेस रहते हैं उनका कलर ब्राइट होता है, लेकिन जो फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस होते हैं उनका कलर स्मॉल भी होता है और डल ग्रीन कलर होता है। इसमें पोरीफेरा के कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनकी शेप राउंड होती है, कुछ फ्लैट होते हैं, कुछ क्रस्ट या वेज लाइक शेप बनाते हैं, कुछ की ट्यूब लाइक शक्ल होती है, क्रस्ट मीन लेयर्स टाइप। सम आर रेडियल सिमेट्रिकल एंड मोस्ट आर एसिमेट्रिक। रेडियल सिमेट्री में हमने लास्ट भी क्लास में पढ़ा था कि रेडियल सिमेट्री में 2 इक्वल हाफ्स डिवाइडेड बाय मोर देन 2 सेंट्रल प्लेन्स, और जो इनकी डिवीजन होगी वो 90 के एंगल पे हम इसे हॉरिजेंटली वर्टिकली मोर देन 2 सेंट्रल एक्सिस में हम इसे डिवाइड करते हैं। मोस्ट आर एसिमेट्रिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनमें कोई सेंट्रल एक्सिस नहीं होता। ठीक है, सेंट्रल एक्सिस होता है जो सेंटर में मौजूद होता है, उसको हम सेंट्रल एक्सिस कहते हैं। इसमें आप जो एक्सिस होता है वो राइट साइड पे भी हो सकता है या लेफ्ट साइड पे भी हो सकता है, लेकिन वो सेंट्रल पोजीशन में नहीं होगा। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम एसिमेट्री कहते हैं, और इन एसिमेट्री पाई जाती है उनमें। इसमें हम देखते हैं जनरल मॉर्फोलॉजी इनकी क्या है। स्पोर्स हैं जिसमें पोर्स मौजूद होते हैं, उनके डिफरेंट नेम्स हैं, इनक्रंट पोर्स, रेडियल पोर्स, ऑस्टिया, ऑसिक्यूलम। ये बेसिकली है क्या, द सरफेस ऑफ ईच स्पॉन्ज बेयर माइन्यूट पोर्स। ऑस्टिया और ऑसिक्यूलम में डिफरेंस ये होता है कि जो ऑस्टिया होते हैं उनका साइज छोटा होता है एज कम्पेयर टू ऑसिक्यूलम के। ऑस्टिया को हम ऑस्टियम इसकी प्लूरल है, और इनक्रंट पोर्स भी कहते हैं। दीज पोर्स लेड इनटू द सेंट्रल होलो कैविटी। ठीक है, ये बाहर से पानी को लेते हैं, ये हमारे पास ऑस्टिया है, ये इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट से वाटर अंदर एंटर हो रहा है ऑस्टिया के थ्रू, और ये कहाँ पे जाएगा, कैविटी में, होलो कैविटी, और उस होलो सेंट्रल कैविटी को हम कहते हैं स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील हम स्पॉन्जेस की वजह से इसको नेम देते हैं, स्पॉन्जोसील कैविटी। के ऐसी कैविटी जो अंदर से बिल्कुल होलो होती है उसको हम स्पॉन्जोसील कहते हैं, या पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है। इट ओपन्स टू आउटसाइड थ्रू अ लार्ज सर्कुलर ओपनिंग।
अब जब सेंट्रल कैविटी में वाटर एंटर हो जाता है, वाटर एंटर होने के बाद यहाँ पे मटेरियल के एक्सचेंज होता है, वेस्ट मटेरियल एक्सचेंज होते हैं, न्यूट्रंट्स की एक्सचेंज होता है, गैसेस जो है उसका ट्रांसफर होता है। ठीक है, ट्रांसफर होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल है ये हमारे पास है मेन ओपनिंग, ये सर्कुलर भी है, लार्ज भी है, इसे हम कहते हैं ऑसिक्यूलम। और इस ऑसिक्यूलम से वाटर जो है वो सेंट्रल कैविटी से होता हुआ बाहर मूव कर जाता है। ठीक है, जैसे ही पानी बाहर चला जाएगा उसके साथ ही वेस्ट मटेरियल भी चला जाएगा। वाटर इज ड्रॉन इन टू इट थ्रू अ सीरीज ऑफ इनक्रंट पोर्स और डर्मल ऑस्टिया भी उसको कहते हैं, इनक्रंट पोर्स को, प्रेजेंट इन द बॉडी वॉल इन टू द सेंट्रल कैविटी एंड देन फ्लोज आउट ऑफ द स्पॉन्ज थ्रू अ लार्ज ओपनिंग एट द टॉप कॉल्ड ऑस्क्यूलम। ये यही बात मैंने आपको बताई थी, ये ए और बी ये दोनों स्पॉन्जेस की ही टाइप्स हैं हमारे पास, लेकिन इसमें केनाल सिस्टम डिफरेंट है और इसमें केनाल सिस्टम डिफरेंट है। केनाल सिस्टम भी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। सेम इसमें भी ऑस्टिया के जरिए से पानी एंटर होता है और बॉडी कैविटी में आता है, बॉडी कैविटी से ऑस्क्यूलम से फिर ये बाहर चला जाता है और वेस्ट मटेरियल को अपने साथ ले जाता है। इस तरह से मटेरियल्स का, गैसेस का एक्सचेंज होता है स्पॉन्जेस में और इसे हम वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं। बॉडी वॉल, इनकी पोरीफिरा के जो मेंबर्स हैं कैसे बनी होती है, द थिन बॉडी वॉल विच क्लोजेज द स्पॉन्जोसील कंसिस्ट ऑफ टू सेलुलर लेयर्स। इसमें दो सेलुलर लेयर्स होती हैं, एक आउटर और दूसरी इनर। आउटर और इनर लेयर की वजह से ही हम इसको डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। आउटर जो है वो नाइकोडर्म कहलाती है, जो इनर लेयर है वो कनाइकोडर्म कहलाती है। इन दोनों लेयर्स के दरमियान, आउटर और इनर लेयर के दरमियान में नॉन सेलुलर मेसेनकाइमा मौजूद होता है। ठीक है, और ये एक जिलेटिनस मटीरियल है। पेनाइकोडर्म की यहाँ पर डिटेल बताइए कि पेनाइकोडर्म क्या है। इट इज एन आउटर लेयर ऑफ द बॉडी, ये बॉडी की आउटसाइड पाई जाती है और प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व होती है। पोरिफेरा के जो मेंबर्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है दूसरे किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से। इनकी शेप किन सेल से ये मिलके बने होते हैं, पेनाइकोडर्म जो है वो पेनाइकोसाइट से मिलके बनी होती है ये लेयर। और पेनाइकोसाइट्स क्या होते हैं, ये थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं, पॉलीगोनल होते हैं, इसमें जो गोनल है मोर देन वन होता है सेल्स। और इसीलिए जो पेनाइकोडर्म में जो सेल्स यूज किए जाते हैं बनाने के लिए, उसको मेट करने के लिए, उसे हम पेनाइकोसाइट्स कहते हैं। जैसे कि हमने ये बताया कि इसमें प्रोटेक्शन का काम होता है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है बॉडी का उसको प्रोटेक्ट करता है। जब उसके आउटर लेयर स्ट्रांग होगी तो वो इंटरनल स्ट्रक्चर को डैमेज नहीं होने देगी। ईच सेल प्रेजेंट अ सेंट्रल ब्लजिंग कंटेनिंग अ न्यूक्लियस। और इसमें जितने भी सेल्स होंगे पेनाइकोसाइट से, हर एक का अपना अपना न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस ने फिर अपने फंक्शन परफॉर्म करने होंगे। पेनाइकोसाइट्स आर हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल। ठीक है, इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल का ये होता है कि वो अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिलैक्स भी कर सकते हैं, अपने साइज को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, सो दैट द स्पॉन्ज कैन इंक्रीज और डिक्रीज स्लाइटली इन साइज। इसीलिए इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल की एबिलिटी होती है। पोरोसाइट्स क्या होते हैं, दीज आर स्पेशल लार्ज एंड ट्यूबुलर सेल्स। ऐसे सेल्स, ऐसे पोर्स जो के साइज में लार्ज होते हैं, स्पेशल होते हैं, उनका फंक्शन ऑस्टिया ऑस्टिक्यूलम से अलग होता है, उनकी शेप जो है वो ट्यूबुलर होती है, उनको पोरोसाइट्स कहते हैं। ईच पोरोसाइट्स कंटेन अ सेंट्रल केनाल लाइक स्पेस। ठीक है, उसमें एक स्पेस होती है जो कि केनाल टाइप होती है। दीज स्पेसिस आर कॉल्ड, और वो स्पेसिस क्या होती हैं, ऑस्टिया ऑस्टिया और डर्मल पोर्स और इनक्रंट पोर्स। ऑस्टिया, डर्मल पोर्स और इनक्रंट पोर्स वो पोर्स होते हैं जहाँ से वाटर एंटर होता है। दीज परमिट वाटर टू फ्लो फ्रॉम आउटसाइड इन टू द स्पॉन्जोसील। आउटर इन्वायरमेंट से जो वाटर होता है वो डर्मल ऑस्टिया, डर्मल पोर्स, ऑस्टिया, इनक्रंट पोर्स से ओपन एंटर हो के स्पॉन्जोसील में आ जाएगा। स्पॉन्जोसील ये एक होलो कैविटी होती है, यहाँ पे एक्सचेंज मटेरियल जैसे कि मैंने आपको बताया है। इन साइकोनाइड स्पॉन्ज, ये केनाल सिस्टम की बेस पे डिफरेंशिएशन है इनकी। इसमें क्या होता है कि पोरोसाइट जो है वो कनेक्ट करते हैं
इनकरंट केनाल्स के साथ, और इनकरंट केनाल जो है वो रेडियल केनाल्स के साथ कनेक्ट करते हैं। ये जब हम एस्कॉन, साइकोनाइड और लिकोनाइड केनाल सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि इनकरंट केनाल कौन सी हैं और रेडियल केनाल कौन सी हैं, वहाँ पे आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा। और थ्रू देयर इंट्रासेलुलर चैनल्स द प्रोसोपाइल्स, इसमें ये चैनल्स होते हैं ठीक है, जिसको हम प्रोसोपाइल्स कहते हैं, इंटरली मौजूद होते हैं द ओपनिंग ऑफ इनकरंट केनाल्स। जो इनकरंट केनाल्स जो हैं वो आउटसाइड जब ओपन होंगी उसे हम कहेंगे डर्मल ऑस्टिया। द ओपनिंग ऑफ द रेडियल केनाल जब स्पॉन्जोसील में एंटर होंगे या ओपन होंगे तो उससे हम कहेंगे एपोपाइल्स या इंटरनल ऑस्टिया। ये इंटरनल ऑस्टिया, एपोपाइल्स, प्रोसोपाइल्स, केनाल सिस्टम जब आएगा उसमें ये सारे टर्म्स हम डिस्कस करेंगे। ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि प्रोसोपाइल क्या है, एपोपाइल्स क्या है और इंटरनल ऑस्टिया क्या है। ये हमारे पास है स्केलेटन। पोरीफिरा का स्केलेटन किस किस से मिलके बना होता है, उनकी जो बॉडी है वो किस से मिलके बनी होती है। द स्केलेटन कंपोज ऑफ टीनी पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट, जिनको हम कहते हैं स्पाइक्यूल्स, विच आर एम्बेडेड इन मेसेनकाइमा। और ये मेसेनकाइमा जो हमने पढ़ा है नॉन सेलुलर मटीरियल होता है, उसमें ये एम्बेड किए जाते हैं, अंदर बाइंड यूनाइट किए जाते हैं। स्पाइक्यूल्स जो है ये ऑस्टिया और ऑसिक्यूलम उसके अराउंड भी मौजूद होते हैं। स्केलेटन में आल्सो मेड ऑफ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर्स, इसमें जो है प्रोटीन फाइबर्स भी मौजूद होते हैं। उन प्रोटीन फाइबर्स को हम क्या कहते हैं, जो स्पॉन्जेस का स्केलेटन बनाते हैं उसको हम कहते हैं स्पॉन्जिन। दीज एंडोस्केलेटन, और इनको एंडोस्केलेटन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इंटरनल बनाते हैं, इनसाइड बनाते हैं स्केलेटन, इसलिए इनको एंडोस्केलेटन कहते हैं। ये प्रोटेक्ट करते हैं, एंडोस्केलेटन को सपोर्ट करते हैं द सॉफ्टर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं उनको ये सपोर्ट करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म, ताकि उन पे कोई अटैक ना हो सके। कैल्केरियस स्पाइक्यूल्स आर आर लार्ज स्पाइक्यूल्स, हमने जैसे कि पढ़ा कि इसमें कैल्केरियस स्पाइक्यूल्स होते हैं, सिलिसियस स्पाइक्यूल्स होते हैं। जो कैल्केरियस स्पाइक्यूल्स होते हैं वो लार्ज स्पाइक्यूल्स होते हैं, और स्पाइक्यूल्स जो कि कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका कार्बोनेट के बने होते हैं। यह आप लोगों के पास एग्जाम्पल है सिलिसियस स्पाइक्यूल्स। सिलिसियस स्पाइक्यूल्स, ये क्लासेस का डिफरेंस आ जाता है कि हेक्सैक्टिनिलीडा में जो स्पाइक्यूल्स होते हैं उनकी शेप ये होती है, और सिलिसियस स्पाइक्यूल्स जो है डेमोस्पॉन्जिया क्लास जो है उनमें स्पाइक्यूल लाइक अ तीर होते हैं। ये स्पॉन्जिनिन है जो कि प्रोटीन फाइबर से मिलके बने होते हैं। प्रोटीन फाइबर्स ये मिलके स्पॉन्जिस का स्केलेटन बनाते हैं, इनको कहते हैं स्पॉन्जिन। और ये कैल्केरियस है, कैल्केरियस स्पाइक्यूल्स।